में खड़ा हूँ। मेरे साथ श्रीमान जी, आपका नाम? पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, आप बताएंगे किस बार आप वोट कर रहे हैं? हाँ जी। पवन कुमार जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस है अपना। किस सेक्टर में आप? यही सेक्टर 27 में। किस चीज़ का बिजनेस है? करना बिजनेस है। पवन कुमार जी, ये बताएंगे भी इस बार वोट तो आप जैसे आपने बताया भी कर रहे हैं, तो वोट करते हुए क्या मुद्दा सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से मस्तिष्क में छाने है? सर, सारे ही मुद्दे हैं जी जो इनको करने चाहिए, मिनिस्टर्स वगैरह को जो करने चाहिए, एजुकेशनल का है, हेल्थ का है, और जो भी आम पब्लिक की परेशानियां हैं उनके लिए तो जरूर है, वो करना चाहिए हल। जैसे आपने कहा आप एजुकेशन हेल्थ के नज़र के वोट करेंगे, तो चंडीगढ़ में लगभग 50% लोग वोट नहीं कर रहे पिछले 3 इलेक्शंस में, तो आप भी क्योंकि सेंसिबल बिजनेस करते हैं, काफ़ी लोगों से बात होती है आपकी, तो आपके अनुसार क्या वजह हो सकती है लोग जो सेक्टर के लोग मोस्टली वोट नहीं करते? सर, इंटरेस्ट घटता जा रहा है, जो ये वायदे होते हैं वायदे पूरे नहीं होते, वायदे ना पूरे होने करके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जी। लेकिन ये देखिए, स्लम्स में, कॉलोनियों में वोटिंग बढ़ रही है और सेक्टर में बढ़ रही है, क्या कॉलोनियों के वायदे पूरे हो रहे हैं? कॉलोनियों में तो अब आपको पता ही है, अब क्या बताएं हम आपके उसके बारे में, तो कुछ बता नहीं सकते हम वहाँ क्या वो है। लेकिन वहाँ उनके वादे पूरे हो रहे हैं? वहाँ के तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर, हम कुछ कह नहीं सकते। इसका आपके कहने का मतलब है भी जो जो सेक्टर में जितने पॉपुलेशन है उनके मुद्दे उनसे अलग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम एड्रेस नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।